हेलो एवरीवन, आई एम रोहित कुमार और आज इस वीडियो में हम जीरोधा और अपस्टॉक के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। दोस्तों, अगर इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं देन आपके पास जीरोधा या अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट होगा। या तो आप जीरोधा या अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन खोलने से पहले ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। दोनों ही कंडीशन में इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम मल्टीपल रीजन के द्वारा ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिकली जीरोधा और अपस्टॉक दोनों ही डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है। और अगर हम बात करें जीरोधा की, तो जीरोधा 2010 में स्टार्ट हुआ था और वहीं अपस्टॉक 2012 में। और अगर हम एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से देखें तो 2021 में जीरोधा के पास 62 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स थे और वहीं 2021 में अपस्टॉक के पास 52 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स थे। और अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में जीरोधा के पास 64 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स हैं और वहीं अपस्टॉक के पास 57 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तो एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से जीरोधा इंडिया का नंबर वन स्टॉक ब्रोकर है और वहीं अपस्टॉक दूसरे नंबर पर आता है। तो एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से जीरोधा इंडिया का नंबर वन स्टॉक ब्रोकर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे हम और भी बहुत सारे फैक्टर के द्वारा इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो अगर अब हम बात करें प्ले स्टोर पे रेटिंग की, तो जीरोधा का 4.2 स्टार रेटिंग है और 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। और वहीं अगर हम बात करें अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक के पास दो ऐप है, एक ओल्ड वर्जन और एक न्यू वर्जन। तो अपस्टॉक के ओल्ड वर्जन का प्ले स्टोर पे 4.5 स्टार रेटिंग है और 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। और वहीं अगर हम बात करें अपस्टॉक के न्यू वर्जन की, तो उसका 4.2 स्टार रेटिंग है और 50 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। तो अब हम चार्जेस के हिसाब से देखते हैं कि इन दोनों में कम चार्ज किस में लगता है। तो अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, तो जीरोधा में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 200 रुपये और वहीं अपस्टॉक में 199 रुपये प्लस GST है। दोस्तों, अपस्टॉक में कभी कभी अकाउंट ओपनिंग फ्री भी रहता है, लेकिन अभी 199 रुपये प्लस GST है और जीरोधा में हमेशा 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग फी लगता है। और अगर हम बात करें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की, तो जीरोधा का अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है 300 रुपये पर ईयर प्लस GST। और अगर हम बात करें अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक में कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है, यानी AMC 0 रुपया। और अगर हम ब्रोकरेज की बात करें, तो जीरोधा में डिलीवरी के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है और वहीं अपस्टॉक में 20 रुपये पर ऑर्डर या 2.5 रुपये, इसमें जो भी कम होगा वो लगेगा। और अगर हम बात करें इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो जीरोधा में है 20 रुपये पर ऑर्डर या 0.03%, इन दोनों में जो कम होगा वो लगेगा। और बात करें अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए है 20 रुपये पर ऑर्डर या 0.05%, जो भी कम होगा वो लगेगा। और अगर बात करें DP चार्जेस की, तो जीरोधा में है 13.5 रुपये प्लस GST और वहीं अपस्टॉक में 18.5 रुपये प्लस GST। दोस्तों, ये DP चार्जेस केवल डिलीवरी के स्टॉक को सेल करने में लगता है। इसके अलावा इन दोनों में और भी बहुत सारे चार्जेज हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें दोनों के ऐप के इंटरफेस के बारे में, तो दोस्तों जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का इंटरफेस सिंपल ही है और आपको जीरोधा और अपस्टॉक दोनों में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिल जाएगा। अपस्टॉक में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको अपस्टॉक के न्यू ऐप में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अपस्टॉक के न्यू ऐप में कुछ एडवांस फीचर भी आया है, जैसे कि रेडीमेड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी बिल्डर। दोस्तों, यह आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आता है, जो कि आपको जीरोधा में नहीं मिलेगा। और अगर हम ओवरऑल देखें, तो अपस्टॉक और जीरोधा दोनों ही इंडिया का बेस्ट स्टॉक ब्रोकर है। आप दोनों में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे, तो हम भी कहेंगे दोनों बेस्ट ही है। लेकिन दोनों में किसी एक को चूज करना है, तो अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा। और अगर आप रेगुलर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप जीरोधा के साथ जाइए। तो आप जीरोधा और अपस्टॉक
दोनों में किसी के भी साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिसमें भी चाहे अपना डीमैट अकाउंट खोल लें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।